Good evening, students. Today I will continue the topic mycorrhiza today. Okay? It's belong to the same, that is lichen and mycorrhiza. In the previous class we have already completed lichen. Now in the today's class we first of all complete mycorrhiza. Okay? Now our today's topic is mycorrhiza. MycorrhizaE. Mycorrhiza. When I am writing this topic, जब मैंने इसे लिखा तो पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि mycorrhiza क्या है. It is an symbiotic association between roots of higher plants. It is a symbiotic association between roots of higher plants. Higher plants का मतलब gymnosperm, angiosperm. Okay, with fungal hyphae, with fungal hyphae. तो यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर. सो इन दिस बोथ हायर प्लांट्स एंड फंगस are equally benefited from each other. Now the question is, who coined the term mycorrhiza? Mycorrhiza name was given by Frank when 1986. Mycorrhiza name was given by Frank when 1885. Sorry, it is not 1885. Now, types of mycorrhiza. Our second point is types of mycorrhiza. Types of mycorrhiza. There are two types of mycorrhiza. Mycorrhiza कितने तरह का है? Two types. What are they? First, ectomycorrhiza. And second, endomycorrhiza. Now, first of all, we must know what is ectomycorrhiza and what is its basic occurrence. ठीक है? Ectomycorrhiza is also known as ectotropic mycorrhiza. Ectomycorrhiza को ectotropic mycorrhiza भी कहा जाता है. And it is found only in 3% of plant. And it is found only in 3% of plants. सिर्फ 3% of plants में ectomycorrhiza और ectotropic mycorrhiza पाया जाता है. Next, इस mycorrhiza में on the surface of root there is a complete covered by or complete covering of pseudo parenchymatous sheath. Okay, in ectomycorrhiza the roots of the higher plants are completely covered by pseudo parenchymatous sheath which is formed by fungal hyphae. Second point,
इन दिस द सरफेस ऑफ रूट, द सरफेस ऑफ रूट इज कंप्लीटली, द सरफेस ऑफ रूट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय स्यूडो पैरेन्काइमेटस. द सर्फेस ऑफ रूट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट. ये शीट, ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ फंगल हाइफी. इसका बना हुआ है फंगल हाइफी. नेक्स्ट, इस इक्टोमाइकोराइजा के केस में जो फंगल हाइफी है, ठीक है, इट इंटर सेलुलरली बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स. और जब वो कॉर्टिकल सेल्स के बीच घुस जाता है, सेल्स ऑफ द रूट, ये फॉर्म करता है स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट. ये वहां भी क्या फॉर्म करता है? स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट, जो कि नेट लाइक होता है. और इस नेट को हैटिक नेट, HARTIG, हार्टिक नेट कहा जाता है. तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, फंगल हाइफी इंटर, फंगल हाइफी इंटर इंटरसेलुलरली. फंगल हाइफी इसमें इंटरसेलुलरली इंटर करता है, किसमें? रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स में, बिटवीन कॉर्टिकल सेल्स, बिटवीन कॉर्टिकल सेल्स. और जब ये कॉर्टिकल सेल्स में एंट्री कर जाता है हायर प्लांट्स के रूट में, तो ये क्या फॉर्म करता है? स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट, फॉर्म स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट. सबसे पहले फंगल हाइफी इंटर करता है इंटरसेलुलरली, इसके बीच कॉर्टिकल सेल के बीच रूट का, रूट किसका? हायर प्लांट्स का. और क्या फॉर्म कर रहा है? स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट. और उसके बाद एंड फॉर्म अ नेट, एंड फॉर्म अ नेट. और ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है हैटिक नेट, हैटिक नेट. ओके, ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट. यहां तक समझ आ गया? आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इट. देखो, माइकोराइजा एक सिंबायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफी. माइकोराइजा का जो नेम है, दिस नेम वॉज गिवन बाय फ्रैंक इन 1885. टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, देर आर टू टाइप्स, इक्टो माइकोराइजा एंड इंडो माइकोराइजा. इक्टो मीन्स आउटसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड. इन इक्टो माइकोराइजा, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा. इसका दूसरा नाम है इक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा. और ये सिर्फ हायर प्लांट्स में 3% के केस में ही पाया जाता है. सेकेंड, इसमें जो हायर प्लांट्स के रूट होता है उसके सरफेस में, उसके ऊपर में एक स्यूडो पैरेन्काइमेटस का शीट बनाता है. कौन बनाता है? शीट बनाता है. वो शीट कौन बनाता है? फंगल हाइफी के द्वारा. नेक्स्ट, फंगल हाइफी इंटरसेलुलरली इंटर करता है रूट्स के, रूट्स में. और वो कहां तक जाता है? कॉर्टिकल सेल्स तक. कॉर्टिकल सेल में घुसने के बाद फंगल हाइफी एक स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीट बनाता है. और ये जो स्यूडो पैरेन्काइमेटस वो शीट बनाता है, ये नेट जैसा होता है, जाली जैसा होता है. और इसको बोलते हैं हैटिक नेट. क्या बोलते हैं इसको? हैटिक नेट. यहां तक समझ आया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इक्टोमाइकोराइजा.
दैट इज फोर्थ पॉइंट. इक्टोमाइकोराइजा, इक्टो माइको राइजा ऑकर्स इन द रूट्स ऑफ, इक्टोमाइकोराइजा ऑकर्स इन द रूट्स ऑफ पाइनस. पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म. यूकिलिप्टस क्या है? एंजियोस्पर्म. ओक ट्री क्या है? एंजियोस्पर्म. फैगस है ना, फैगस ट्री में होगा, और एबीज में. ये सब में पाया जाता है इक्टोमाइकोराइजा. नेक्स्ट, इक्टोमाइकोराइजा में जो फंगस मेंबर होता है वो बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज है. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंगस में चार क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज. तो माइकोराइजा में जो फंगल हाइफी रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें ये जो फंगल हाइफी है इट बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडोमाइसिटीज ऑफ फंगस ग्रुप. ओके, तो लिखेंगे नेक्स्ट. ठीक है, इक्टोमाइकोराइजा, इक्टो माइकोराइजल फंजाई आर मेनली मेंबर्स ऑफ, इक्टोमाइकोराइजल फंजाई आर मेनली मेंबर्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. किस क्लास से बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसिटीज. एग्जाम्पल एमेंसिया, ठीक है, उसके बाद रस्यूला, आर यू डबल एस यू एल ए, ये सब बेसिडियोमाइसिटीज फंगस है. उसके बाद क्लेमेशिया, ठीक है, ये सब हो गया, ग्लोटस या बोलिटस बोल सकते हैं, एक्सेट्रा, ये सब है बेसिडोमाइसिटीज. ठीक है, यानी फंगल मेंबर जो है माइकोराइजा का वो बेसिडोमाइसिटीज है. जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लाइकेन में दो तरह का लाइकेन होता है, एस्कोलाइकेन और बेसिडोलाइकेन. एस्कोलाइकेन मींस उसमें एस्कोमाइसिटीज ग्रुप है फंगस से, और बेसिडोलाइकेन मींस जो फंगल पार्ट है लाइकेन का वो बेसिडोमाइसिटीज से. तो यहां पे जितने भी फंगस हैं इक्टोमाइकोराइजा के केस में दे बिलोंग टू द ग्रुप बेसिडोमाइसिटीज. एंड वी ऑल नो दैट इक्टोमाइकोराइजा इज फाउंड ओनली इन 3% केसेस ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है, अब यहां पे कुछ क्वेश्चन आने से एमेंसिया ये किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. एमेंसिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. एमेंसिया रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में पाया जाएगा, जबकि ये जो रस्यूला है ये पाया जाएगा फैगस रूट में. रस्यूला, आर यू डबल एस यू एल ए, रस्यूला इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ, इन द रूट्स ऑफ फैगस. ठीक है, तो एमेंसिया जो बेस्टोमाइसिटीज है वो हायर प्लांट पाइनस में पाया जाएगा, और जो रस्यूला है वो पाया जाएगा रूट्स ऑफ फैगस में. ठीक है, तो ये हो गया इक्टोमाइकोराइजा का डिटेल. यहां तक समझ आ गया? हाँ, फेगस प्लांट का नाम है, फिर तुम्हारा पाइनस प्लांट का नाम है, पाइनस साइकस, पाइनस नीटम, जिंगो, ये सब किससे आएगा? जिम्नोस्पर्म. उसी तरह से ओक ट्री, फेगस ट्री, यूकिलिप्टस, ये सब किसमें आएगा? एंजियोस्पर्म. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. नेक्स्ट है इंडोमाइकोराइजा. अब हम लोग सेकेंड बारे में पढ़ेंगे,
इंडोमाइकोराइजा, इंडो माइको राइजा, ओके। नाउ जो इंडोमाइकोराइजा है, इन दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा द फंगस अनलाइक इक्टोमाइकोराइजा डज नॉट फॉर्म स्यूडो पैरेन्काइमेटा शीथ ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट। इक्टोमाइकोराइजा में क्या था कि रूट के अपर सर्फेस में, आउटर सर्फेस में एक स्यूडो पैरेन्काइमेटा शीथ बना रहा था, कौन? फंगस। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो लिखेंगे अनलाइक इक्टोमाइकोराइजा, अनलाइक इक्टोमाइकोराइजा फंगस डज नॉट फॉर्म, अनलाइक इक्टोमाइकोराइजा द फंगस डज नॉट फॉर्म स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ रूट इन इंडोमाइकोराइजा। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस शुरू हो गया। नेक्स्ट, इक्टोमाइकोराइजा जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उसमें फंगल हाइफी रूट के कॉर्टिकल सेल में एंट्री करता है इंटरसेलुलरली, बट इन इंडोमाइकोराइजा द फंगल हाइफी इंटर द रूट कॉर्टिकल सेल इंट्रासेलुलरली। ठीक है, लिखेंगे सम फंगल हाइफी, सम फंगल हाइफी इंटर, ठीक है, इंट्रासेलुलरली, वहां पे था इंटर, यहां हो गया इंट्रा सेलुलरली इन, इंटरसेलुलरली इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, जो फंगल हाइफी है इंडोमाइकोराइजा में ये, ठीक है, वो हायर प्लांट्स के रूट में एंट्री करेगा, किस किस सेल में? इन द कॉर्टिकल सेल्स, इन द कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल्स को सिंपली हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस। सेकेंड, दूसरा क्या होगा? इंट्रा सेलुलरली फंगल हाइफी फॉर्म्स, इंट्रासेलुलरली जब फंगल हाइफी रूट में एंट्री करेगा हायर प्लांट्स का, तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स अ अनब्रांच, जिसका कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, अनब्रांच नॉब लाइक स्ट्रक्चर, अनब्रांच नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है वेसिकल, VESICL। ठीक है, लेकिन ये ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इनसाइड द कॉर्टिकल सेल और उसको कहा जाता है अर्बस्टुलर एंड फॉर्म्स ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द कॉर्टिकल सेल, इनसाइड द कॉर्टिकल सेल कॉल्ड अर्बस्क्यूलर। ठीक है, तो रूट के अंदर, रूट के अंदर मतलब इंटरनल है बट अपर लेयर में ये फॉर्म करता है फंगल हाइफी, फॉर्म करता है अनब्रांच नॉब लाइक स्ट्रक्चर, उसको वेसिकल कहा जाता है, और कॉर्टिकल सेल के अंदर जब ये ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इसको अर्बस्क्यूलर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इंडोमाइकोराइजा का दूसरा नाम है वैम, दैट इज वेसिकुलर
ऑर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, ठीक है। वेसिक्यूलर ऑर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि वाई इंडोमाइकोराइजा इज नोन एज वेसिकुलर ऑर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, तो तुम लिखोगे कि जब फंगल हाइफी इंटर करता है इनसाइड द रूट्स ऑफ अ हायर प्लांट, इनिशियल स्टेज में अपर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स में वो फॉर्म करता है अनब्रांच नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम वेसिकल बोलते हैं, और इंटरनल कॉर्टिकल सेल में वो फॉर्म करता है ऑर्बस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच इज अ ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वाई इंडोमाइकोराइजा इज ऑल्सो नोन एज वेसिक्यूलर ऑर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। समझ आया क्यों इसको वैम बोलते हैं? इंट्रासेलुलर मतलब इन बिटवीन द सेल, ठीक है, दो अलग अलग लेयर के बीच, और एक ही लेयर के दो सेल के बीच जब जाएगा तो इंटरसेलुलर। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद क्या है कि वैम जो है यानी इंडोमाइकोराइजा वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा जो है इट इज यूजफुल फॉर फॉस्फेट न्यूट्रिशन। वैम इज यूजफुल फॉर, वैम इज यूजफुल फॉर फॉस्फेट न्यूट्रिशन, फॉस्फेट न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट, इंडोमाइकोराइजल रूट ऑकर इन द रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, इंडो माइकोराइजल रूट्स ऑकर, इंडो माइकोराइजल फंजाई लिख दो, फंजाई ऑकर इन द रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। नेक्स्ट, इंडोमाइकोराइजा आर मेनली द मेंबर ऑफ क्लास जाइगोमाइसिटिस, यानी इंडोमाइकोराइजा में जो फंगस पार्ट है वो किसका मेंबर है? जाइगोमाइसिटिस का, जबकि इक्टोमाइकोराइजा में जो फंगस था वो किसका पार्ट था? बेसिडोमाइसिटिस का, ठीक है। तो इंडोमाइकोराइजल फंजाई इस इंडो माइकोराइजल फंजाई बिलोंग्स टू क्लास जाइगोमाइसिटिस। अब जाइगोमाइसिटिस कहां से है? तो देखो, फंजाई का चार ग्रुप है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। फाइगोमाइसिटिस इज द लोअर मोस्ट फंजाई एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। सो जाइगोमाइसिटिस बिलोंग्स टू अ क्लास फाइकोमाइसिटिस, दैट इज लोअर मोस्ट फंजल, लोअर मोस्ट फंगल ग्रुप, ओके। तो ये हो गया जाइगोमाइसिटिस। जाइगोमाइसिटिस के एग्जाम्पल राइजोक्टोनिया, ओके, सेकेंड कॉटिकम, ये। अब माइकोराइजा एक सिंबायोसिस का एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि इसमें जो फंगस है वो रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके बदले ऑन दैट जो रूट्स ऑफ द हायर प्लांट है वो फंगल हाइफी को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। केस ऑफ सिंबायोसिस, केस ऑफ, या डायरेक्ट लिखते हैं कि माइकोराइजा
इज अ केस ऑफ सिंबायोसिस। कैसे? देखो यहां पे दो मेंबर है, पहला मेंबर है फंगस, फंगल हाइफी, और दूसरा मेंबर है हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स रूट्स। हायर प्लांट का रूट फंगल हाइफी को क्या दे रहा है? फूड प्लस शेल्टर। और फंगल हाइफी हायर प्लांट्स को क्या दे रहा है? वाटर एंड मिनरल। यानी फंगल हाइफी और हायर प्लांट्स के रूट दोनों को इक्वल बेनिफिट है, और ऐसे केस को ही हम बोलते हैं सिंबायोसिस या म्यूचुअलिज्म। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब कुछ फंगस को हम जानेंगे इंडोमाइकोराइजा में, जो कहां पाया जाता है। ठीक है, देखो इंडो एक तो दोनों में है ना, कुछ कॉमन फंगस है जो हायर रूट्स में पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्टोमाइकोराइजा, इक्टोमाइकोराइजा फंजाई या इक्टोमाइकोराइजल फंजाई, इक्टोमाइकोराइजल फंजाई जो कॉमनली हायर प्लांट्स में पाया जाता है वो तीन है, हेबिलोमा, एच ई बी ई एल ओ एम ए। हेबिलोमा के बाद होगा लैकेरिया, एल ए डबल सी ए आर आई ए। हेबिलोमा, लैकेरिया और पाइसोलिथस, ये कॉमन फंजाई है जो इक्टोमाइकोराइजा में पाया जाता है। अब आ जाओ इंडोमाइकोराइजा, इंडो माइको राइजल फंजाई। इंडोमाइकोराइजल फंजाई जो है इसमें भी तीन कॉमन है, ग्लो जीजीएस, जी फॉर ग्लोमस जो कि साइकस रूट में बहुत कॉमन है, उसके बाद है गाइगास्पोरा, गाइगास्पोरा एंड एस फॉर स्क्लेरोसिस्टिस। ठीक है, तो ये हो गया इंडोमाइकोराइजल फंजाई। ये कॉमन फंजाई है जो पाया जाता है इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इफ देयर इज इक्टोमाइकोराइजा, हेबिलोमा, लैकेरिया एंड साइलोथस। इफ देयर इज इंडोमाइकोराइजा, ग्लोमस, गाइगास्पोरा एंड स्क्लेरोसिस्टिस। ओके, नाउ ये जो तुम्हारा अर्बस्क्यूल है वो हॉस्कोरियम के रूप में काम करता है। ठीक है, अब ऑर्किड्स जो है, ऑर्किड्स आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन माइकोराइजा फॉर देयर सीड जर्मिनेशन। ऑर्किड्स जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है माइकोराइजा के ऊपर, किसके लिए? अपने सीड जर्मिनेशन और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के लिए, एंड फर्दर डेवलपमेंट। एक न्यू टाइप पाया गया इक्टोमाइकोराइजा में, दैट इज इक्टेंडो, ठीक है, इक्ट एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, ये एक स्पेशल टाइप है, इक इंडो ट्रॉपिक माइकोराइजा। ये एक ऐसा माइकोराइजा है
which is a combination of ecto and endomycorrhiza. Okay, mycorrhiza showing characteristics of both, mycorrhiza showing characteristics of both ecto and endo mycorrhiza. ठीक है, जब mycorrhiza क्या कर रहा है, इट शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्टो एंड इंडो mycorrhiza. यह पाया कहां जाएगा, इट इज फाउंड इन इंडियन पाइप प्लांट जिसको मोनोट्रोपा इंडिका कहा जाता है. एग्जांपल क्या है, इंडियन पाइप प्लांट, साइंटिफिक नेम मोनोट्रोपा इंडिका. मोनोट्रोपा जेनस है और इंडिका स्पीसीज है. और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू फैमिली इरिकेसी. इट बिलोंग्स टू फैमिली इरिकेसी. इरिकेसीज, ठीक है. और इक्टोमाइकोराइजा जहां सिर्फ 3% ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में पाया जा रहा था, इंडोमाइकोराइजा फाउंड इन 80% ऑफ द प्लांट. इंडोमाइकोराइजा कितने में पाया जाता है, 80% ऑफ द प्लांट. ठीक है, यहां तक समझ आया सर? इक्टो मींस बेसिकली द फंगल हाइफी इज प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर ऑफ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. इक्टो मींस आउटसाइड. And indo means when the mycorrhiza penetrate into the root, it reach up to the protoxylem layer. Protoxylem तक ये fungal hyphae penetrate कर जाएगा, उसको बोला जाएगा indo mycorrhiza. एक तो मतलब होता है बाहर, indo मतलब होता है inside. यहाँ तक समझ आया? Yes sir, last वाला paragraph. Last में हम बोले एक नया type का mycorrhiza मिला है Indian pipe plant में. उसमें क्या था कि ecto mycorrhiza भी है और कुछ पार्ट में इंडो माइकोराइजा भी है. तो जब इक्टो और इंडो माइकोराइजा दोनों एक ही प्लांट के हायर प्लांट के रूट में मौजूद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्टेन इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा. इक्ट आ गया इक्टोट्रॉपिक से और इंडो आ गया इंडोट्रॉपिक से, माइकोराइजा. समझ गए? ऐसा प्लांट जिसके कुछ पार्ट में इक्टो माइकोराइजल एसोसिएशन है और कुछ पार्ट में रूट का इंडो माइकोराइजल एसोसिएशन है, उसको बोला गया एक इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा. अब समझ आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो ये अभी यही खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या शुरू करेंगे, प्लाज्मोडियम. यानी यहां पे लाइकेन एंड माइकोराइजा इज फिनिश्ड. दैट्स ऑल इन टूडेज लाइकेन एंड माइकोराइजा. नाउ वी स्टार्ट व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लाज्मोडियम.